मैं सारिका और किचन विद सारिका में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैंने पुराने कपड़ों से किचन के लिए यूजफुल कुछ चीज़ें बनाई हैं। आज ये चीज़ें हम लोग किचन में ही रखते हैं तो इससे किचन को एक अच्छा और ब्यूटीफुल लुक आए, ये भी मैंने ध्यान में रखा है। तो बिना पैसे खर्च किए मैंने ऐसे कुछ चीज़ें बनाई हैं जो किचन में बहुत यूजफुल तो है और उसे किचन को डेकोर करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे जानते हो, आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं ऐसे टाइप के वीडियोस ऑलवेज बनाती रहती हूँ। तो अगर आप नए हो तो मेरे पहले वीडियोस ज़रूर देखिएगा, पर इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्क्रीन के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और साथ में एक बेल आइकन है, उसको भी आपको क्लिक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर इस वीडियो में एक भी आइडियाज़ आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूलें। पहला DIY बनाने के लिए मैंने लिया है एक पुराना टी शर्ट। इसकी जगह आप कोई स्लीव्स या फ्रॉक भी यूज़ कर सकते हो। स्लीव्स वाले टी शर्ट का भी आप यूज़ कर सकते हो। इसे थोड़ा मुझे डेकोर करना है। ऊपर से मैंने इसके स्लीव्स को फोल्ड कर दिया था और अब मैं उसको एक अच्छा लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। फिर से यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड कर दिया है ऊपर से इस तरीके से। देखिए, वापस मैं दिखा रही हूँ। और इस पोर्शन को मैं स्टिच कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक शर्ट की स्लीव्स। जैसे कि मैं इसे हैंग कर सकती हूँ। और एक छोटे से कपड़े से मैंने यहाँ पे एक बो बना दिया है। और इस शर्ट की स्लीव्स को भी मैंने इसे अटैच कर दिया है। तो नैपकिन जो बार बार फिसल कर गिर जाते हैं तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन है। इस तरीके से आप नैपकिन को हैंग करके रख सकते हो और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आप किचन या बाथरूम में इसे हैंग करके यूज़ कर सकते हो। अब मेरा सेकेंड DIY है एक गार्बेज बैग होल्डर। इसके लिए मैंने एक शर्ट की स्लीव्स का यूज़ किया है और इसमें मैं एक इलास्टिक नीचे से जॉइन करने वाली हूँ। इसमें जो फोल्ड करके शर्ट को लगाने वाला एक स्ट्रिप आता है वो भी मैं कट करके बाद में उसे यूज़ करने वाली हूँ। सो नीचे के साइड में मुझे इलास्टिक लगाना था पर मेरे पास इलास्टिक नहीं था तो मैं एक रबर बैंड का यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो बिड्स लगे हैं वो मैंने निकाल लिए थे और बस इसे मैं इस तरीके से स्टिच कर दूँगी। DIY में जो भी मैं बना रही हूँ वो ना कि सिर्फ किचन में काम आने वाली चीज़ें हैं बल्कि किचन को एक डेकोर लुक भी देने वाली है। इसलिए मैं इस चीज़ का ध्यान रख रही हूँ कि इसे मैं एक ब्यूटीफुल लुक दूँ। तो मैंने यहाँ पे जो मेरे पास अवेलेबल थी एक लटकन एंड फ्लावर उसको लगा दिया है और जो मैंने स्ट्रिप निकाला था वो भी मैंने यहाँ पे ऊपर लगा दिया है। तो उससे मैं उसका हैंडल हो गया है तो इस तरीके से मैं उसे हैंग करके रख सकती हूँ। और देखिए, यहाँ पे मैं ऊपर से इसमें गार्बेज बैग्स डाल रही हूँ। और इस तरीके से इजीली आप गार्बेज बैग्स को इसे निकाल सकते हो। आप कहीं पर भी किचन में इसे हैंग करके रखोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा, ये ज़रूर ट्राई करना। अभी नेक्स्ट जो मेरा DIY है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टॉवल लिया था। ये टॉवल मेरे घर पे बहुत दिनों से पड़ा था तो उसका मैं कुछ करना चाहती थी। तो आज मैं इसे फाइनली इस तरीके से किचन के लिए एक रग बना रही हूँ। इसमें मैंने एक रज़ाई सीने वाला जो थ्रेड आता है उसका यूज़ किया है। वो काफ़ी मज़बूत होता है
और बस उसमें मैं कुछ लिख रही हूँ। फैब्रिक पेंट का यूज़ किया है यहाँ पे मैंने, और इस रग को मैं थोड़ा डेकोर कर रही हूँ। फैब्रिक पेंट्स में मैंने यहाँ पे फेविकोल मिक्स कर दिया था, और थोड़ा सा ड्राइंग भी कर रही हूँ मैं इस पर। अब मैं इसको एज अ टेबल रनर भी यूज़ कर सकती हूँ, या फिर किचन का रग की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। इसका कलर थोड़ा लाइट है, इसलिए रेगुलर तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाएगा। तो लेकिन हाँ, ओकेजनली मैं इसे यूज़ ज़रूर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन में इसे बिछा दिया है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बनाया है एक टेबल रनर। देखिए मेरे पास एक टेबल कवर था ऑलरेडी पड़ा था, लेकिन इसमें थोड़े से छेद है और कई जगह पर ये डैमेज है। थोड़ा सा इसमें स्टेन भी लगा हुआ है, दाग धब्बे हैं, और इसकी लेस भी ख़राब हो चुकी थी, जो कि मैंने उसकी लेस को भी अपने पहले DIY में एक यूज़ किया हुआ है। तो एक साइड में इसमें लेस लगी थी, तो वो पोर्शन मैं उसका कट करके ले रही हूँ, और इसको जो पोर्शन मैंने कट किया था वहाँ से फोल्ड करके यहाँ पे मैं एक सिलाई कर दूंगी इस पर। और मेरे पास एक कुर्ती पड़ी थी जिसमें ये कुछ एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स लगे थे, तो मैं इन फ्लावर्स को कट करके ले रही हूँ इसको डेकोर करने के लिए। तो बस जो भी मटेरियल है मैंने यहाँ पे, जो भी मटेरियल इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, सारा जो मेरे घर पे था अवेलेबल वही यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ छेद है, यहाँ पे दाग है, तो इनको छुपाने के लिए मैं इन फ्लावर्स का यूज़ करूँगी। इसे फैब्रिक ग्लू से मैं इसे स्टिक कर दूँगी, और इस तरीके से मेरा ये टेबल रनर बन जाएगा। इसे मैं तो देखिए बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, और बिल्कुल आसानी से ये बहुत ही कम समय में एक अच्छा सा टेबल रनर बन के तैयार हो गया है। लेकिन अभी तक थोड़ा सा इसका काम बाकी है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए है ये साइड में उसको लगाने के लिए पॉम पॉम, जो ऑलरेडी मेरे एक कुर्ती पे थे, जो मैंने उसको कट करके निकाल लिया है और जस्ट इसमें अटैच कर दिया, और इस तरीके से ये मेरा टेबल रनर बन गया है। मैं इसे रेगुलर भी यूज़ कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे किचन क्लीनिंग वाले वीडियो में मैंने आपको ये छोटा सा DIY करके दिखाया था। एक पानी की कॉपर की टंकी को मैंने एक कवर बनाया था, तो जो बार बार ये टंकी काली पड़ जाती है, तो उससे बचने के लिए ये कवर किया था। और मैंने बोला था आपको मैं आपको इसका फीडबैक बाद में दे दूंगी। अभी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं, और देखिए ये टाकी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, वरना तो अब तक ये बहुत ही काली हो जाती थी। तो देखिए ये बहुत ही यूज़फुल है, और मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस DIY में मैंने लिए मेरी पुरानी जीन्स को मैं कट कर रही हूँ साइड से, और मैं इसका किचन एप्रन बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मुझे जितना पोर्शन ज़रूरी है उतना मैं यूज़ कर रही हूँ, बाकी का सारा पोर्शन को मैं कट कर रही हूँ। और सेफ्टी पिंस के हेल्प से मैंने वो बीच का जो पोर्शन है उसको थोड़ा बढ़ा दिया था, और पिन लगा के मैंने उसको स्टिच कर दिया है। और देखिए अभी मैं जो एक्स्ट्रा पोर्शन है बैक साइड में, उसको भी कट करके ले रही हूँ।
अब यहाँ पे जो जीन्स की कमर का जो बैक साइड का हिस्सा होता है उसको मैंने कट करके लिया है और वो मैं अभी ऊपर अटैच करने वाली हूँ। और इसे थोड़ा सा डेकोर करने के लिए मैंने एक पुरानी मेरी कुर्ती थी, टॉप थी, उसका यूज़ किया है। उसका जो नीचे का पोर्शन है वो मैं कट करके लेने वाली हूँ और सभी जो बनाने वाली हूँ उसमें मैं सारे इस कुर्ती में जो भी लेस वगैरह है वो ही रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। तो ये लेस मैं बैक साइड में एप्रन के लगाने वाली हूँ और पॉकेट में ऊपर थोड़ा सा डेकोर करने के लिए मैं इसकी स्लीव्स की जो पट्टी है वो निकाल कर उसको अटैच करूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने किया है और बस उसी टॉप को मैंने यूज़ किया है और थोड़ा सा डेकोर करने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं पेंट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम आपको निकालना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा वाला DIY पसंद आया और इसमें से एक भी DIY आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करना ना भूले। आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आपके पास भी ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं DIYs तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मैंने अपने DIY वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इसे एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।